जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज वार्ड नंबर 48 बाहू फोर्ट जम्मू का दौरा किया और इलाके की खूबसूरती के लिए शुरू किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद श्यामलाल बसन के साथ बाहू फोर्ट क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मेयर राजेंद्र शर्मा के इस दौरे में उनके साथ थे। इस अवसर पर मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि बाहू फोर्ट सर्किट के विकास के लिए कई परियोजना शुरू की गई हैं ताकि यहां आने वाले पर्यटक अपना पूरा दिन यहां गुजार सके। मंदिर में जाके आशीर्वाद ले सकते हैं, लेजर शो है, म्यूजिकल फाउंटेन है, गंडोला है, एक्वेरियम है, ओशनेरियम जो 20 करोड़ की लागत से बन रहा है अभी, यहाँ पार्क है और यहाँ नीचे से लेकर एंट्री गेट आपका पहले, उसके बाद में फुटपाथ बने हैं, पुरानी पाइपें थी उनको बाहर निकाला है, जो लोगों के घरों से पाइपें आती थी उसका व्यू ख़त्म किया है। इसी के साथ साथ में ऊपर रेड स्टोन लगा है, हर की पौड़ी में हमने घाट को बड़ा किया है, बलिदान स्तंभ के बाहर जो पार्क बना है रात को बड़ा मोहक इसका दृश्य होता है। जब आप वहाँ ऊपर खड़े होते हैं इक्वेरियम के पास जम्मू की तरफ देखते हैं आपको ब्रिजेस का जो जम्मू का व्यू दिखता है जिसको हम फसाड़ बोलते हैं वो बड़ा मनमोहक होता है। तो आज इस सारे बावे वाली माता के चरणों में इतने स्थान बन गए हैं कि आप यहाँ पूरा एक दिन अपना व्यतीत कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात, आज हम आने वाले मेयर साहब हमारे साथ हैं और आज आप हम खुशी के साथ ये कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज वो बाहू फोर्ट नहीं है जो आज से 5 साल पहले था। आज बोर्ड ने आप देख रहे हैं हर लिहाज से इसका सौंदर्यकरण किया गया है। डिफरेंट करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर शुरू किए गए कंप्लीट किए गए और करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले टाइम में और भी हमारे करोड़ कम से कम ही 50 करोड़ के जो काम हैं और भी लगने वाले हैं। जैसे ओशनेर की बात की है या एक्वेरियम के सेकंड फेज की वो भी 18 करोड़ का लागत है, जो हर की पौड़ी की रोड की बात करें वो भी 11.5 करोड़ का है। इस तरह के जो आगे भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं लेकिन आज आप देखेंगे ये सौंदर्यकरण की बात करें 56 लाख रुपये सौंदर्यकरण पर खर्च किया है, व्यू कटर्स लगाए गए हैं, जितना भी आप देखेंगे एक ही तरह के हर दुकान के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं।